सर मैं खुद हारून काकर, आज सलाउद्दीन काकर का छोटा भाई, NA 266 से आज सलाउद्दीन काकर ने कागजात जमा किए थे तो वो रिजेक्ट हुए थे। तो हमने 2-3 दिन पहले CP में हमने पिटिशन दायर की थी, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो अदालत से ओके हो गया। इंशाल्लाह हमारा ये है कि इंशाल्लाह इलाके के लिए, हमारा जो ज़िला किला अब्दुल्ला है, हम वहाँ के लिए इंशाल्लाह हमारा कोशिश यही है शुरू से भी कि हम इलाके के लिए काम करें, हम रोडों पे, तालीम पे, इन चीज़ों पे तवज्जो दें, स्पोर्ट्स पे तवज्जो दें। हमारा भाई आज सलाउद्दीन का शुरू से ही चीज़ है कि इंशाल्लाह हम इलाके को ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह देंगे और इंशाल्लाह आगे भी हम इलाके के लिए काम करेंगे। हमारे इलाके का सबसे बड़ा मसला है बिजली, गैस तो वहाँ पे अभी तक आया नहीं है, अवेलेबल नहीं है, और पानी का भी मसला है, रोज़गार का मसला है, जवानों का रोज़गार नहीं है, बहुत से कम लोग जो है रोज़गार उनको मिले हैं। हमारे बदकिस्मती से जो MPA मिनिस्टर पहले आए हुए हैं, उन लोगों ने कोई काम नहीं किया है, कोई लोगों को, हालांकि लोगों ने तालीम किए, अच्छे अच्छे तालीम किए, FCPS किए, वो किए, हर चीज़ के, तो इस वजह से बदकिस्मती से लोगों को नौकरी नहीं मिले आज तक। तो हमारा इंशाल्लाह ये आज सलाउद्दीन का ही ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह हम आए, सिलेक्ट हो जाए, इंशाल्लाह हम नौजवानों को बहुत तरक्की देंगे, नौजवानों को नौकरी पे लगाएंगे, नौजवानों को तालीम देंगे। और अभी भी हमारे कुछ टाइम पहले हमने 2 ट्यूशन सेंटर वो बनाए वहाँ पे किला अब्दुल्ला में, तीन जिले में दो तीन जगह हमने बनाए, तो वो अपने जेब से हम पे कर रहे हैं उसको ट्यूशन के लिए, जो तालीम इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर। तो इंशाल्लाह हम इलाके के लिए कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करें किला अब्दुल्ला।